देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुनिया भर का मीडिया पाकिस्तान को बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहा है कि नीता अंबानी जो कि आनंद अंबानी की मदर है, मुकेश अंबानी की बेबी है, उनकी पूरी साड़ी ही पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है। उनकी साड़ी की जितनी पाकिस्तान की जीडीपी है। नाज़रीन, बात करेंगे अंबानी की प्री वेडिंग के मौके पर वायरल होने वाले कुछ मीम्स की। मुकेश अंबानी ने सबको बता दिया कि चाहे तुम बॉलीवुड के किंग खान हो या क्रिकेट के लॉर्ड ही क्यों ना हो, पैसा तुमसे कुछ भी करवा सकता है। शाहरुख तो कहते हैं कि हमने उनके साथ मुकाबला करना है, हम तो उनकी एक साड़ी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे और करेंगे भी नहीं, उनका मुकाबला कर भी नहीं सकते हम। 75 ईयर से कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ चले गए हैं नजर आए। वहीं पर हम बात करेंगे पैसा इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकता। मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ में से 0.1% ही तो गया है। सलमान खान जो हर टाइम अपने स्वैग मूड में रहते हैं, उनसे मुकेश अंबानी ने ढोल बजवा डाला। लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, थोड़ी सी अकल मुझे आई है, मुझे अब ना ऐसे इस मुल्क में मैं रहता हूँ तो मुझे अजीब सी फीलिंग्स आती है कि मैं एक ऐसे माशरे में रह रहा हूँ जहाँ पे हर दिन कातिलाना हमले हो रहे हैं। मतलब कि कातिलाना हमले दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि गरीबों का। अंबानी का ये जो एमरल्ड ग्रीन कलर का नेकलेस जो उन्होंने पहना हुआ है, ये तकरीबन 500 करोड़ का है। जी हाँ नाज़रीन, 500 करोड़ का। लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि जब इंस्टाग्राम खोलो तब अंबानी की शादी ही देख। कैसे जज्बा बहुत है, किस चीज का जज्बा है? हमारा खुद का अपना जज्बा है, पाकिस्तानी हम, शुक्र भी इंडियन है। वो इंडियन है लेकिन हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, हम खुद पाकिस्तानी। चूल्हे बंद हुए हुए, मैं उनको देखता हूँ वो रो रहे होते हैं, मेरे आगे हाथ कर दे, मेरी क्या है जी, अभी मेरे आगे हाथ इतनी बड़ी है कि लोग मेरे आगे हाथ कर रहे होते हैं। ये हमारी कम बख्ती है, हमारे मुल्क पे रहम कर। हेलो व्यूअर्स, कहना चाहूँगा ये बात है कि ये हमें सोशल मीडिया से निकलना चाहिए सबसे पहले। ये सोशल मीडिया का ट्रेंड है कि हम लोग इतने पीछे जा रहे हैं, सोशल मीडिया की वजह से जा रहे हैं। जय हिंद। जामनगर में अनंत अंबानी की भव्य प्री वेडिंग का पूरी दुनिया में चर्चा है और दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मातम का माहौल है। दरअसल दोस्तों, पूरी दुनिया अब पाकिस्तान को ट्रोल कर रही है और बता रही है कि नीता अंबानी ने जो साड़ी पहनी है उसकी कीमत ही पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। और साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों ने ऐसी भव्य शादी देखने के बाद में अपने मुल्क की हैसियत पूरी दुनिया को बताई और ऐलान किया है कि भारत का मुकाबला करना छोड़कर भारत से आर्थिक मदद मांगनी चाहिए, इसी में ही पाकिस्तान की भलाई है। और अधिक जानकारी के लिए बढ़ते इस मज़ेदार वीडियो में, जहां पर मुकेश अंबानी और पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर पाकिस्तान के लोगों ने बेबाक राय रखी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। वंदे मातरम, जय हिंद। उनका GDP से हमारा क्या मुकाबला? उनकी इतनी फैक्ट्रीज हैं, इतना ज़्यादा उनका चल रहा है, तो उसे हमारा क्या मुकाबला? ये कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी की बीवी ने जितनी महंगी साड़ी पहन रखी है वो तो पाकिस्तान की टोटल GDP है। हम तो कहते हैं कि भारत में गुर्बत बहुत है। नहीं, भारत में गुर्बत नहीं है, भारत में गुर्बत तो है मगर उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है ना, 1.5 अरब की आबादी है और उसमें गुर्बत होना जितनी गुर्बत है, मगर उन्होंने तरक्की बड़ी की है, उन्होंने टेक्नोलॉजी में IT में बहुत आगे हैं जा रहे, उनके एक्सपोर्ट बहुत है, उनका देखें सारा कुछ ही हमसे आगे है, उसका हमसे कोई मुकाबला नहीं है। भारत हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, उसका कोई मुकाबला नहीं। और आप उसकी साड़ी लेके बैठ गई हैं, इतनी साड़ी है, साड़ी लेके बैठ गई, बजाय खुद तरक्की हमारी हो नहीं रही, हम उसकी साड़ी में लेके बैठ गए हैं। साड़ी उन्होंने देखें कैसे बनाई है, उनकी कितने सालों की मेहनत है, जो भी है वो इतने अमीर हैं, जितनी फैक्ट्री पाकिस्तान वो इंडिया को वो दे रहे हैं, देखिए मैन पावर भी उनके पास है, उनकी फैक्ट्रीज में काम भी करने वाले बड़े हैं इस वक्त, उनका GDP क्या हमारा और उनका क्या मुकाबला? आप उसका साड़ी का मुकाबला पाकिस्तान के GDP से करने लग गई हैं। साड़ी उन्होंने इतनी महंगी पहन रखी थी कि हमारी पूरी GDP बनती है तो, ना 1500 करोड़ की सिर्फ प्री वेडिंग कर रहे हैं वो, तो अच्छी बात है, करने दें उन्हें। आपको आप पाकिस्तान के मसाइल तो हल करें, इसकी इकॉनमी डूबे जा रही है। हम तो कहते हैं कि हमने उनके साथ मुकाबला करना है, हम तो उनकी एक साड़ी का मुकाबला नहीं कर पा रहे।
नहीं कर पा रहे और करेंगे भी नहीं, उनका मुकाबला कर भी नहीं सकते हम 75 ईयर से कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ चले गए हैं। अच्छा। ये बात नहीं है, हम उनका मुकाबला कर नहीं सकते। आप अपनी इकॉनमी 16 महीनों में पीछे बढ़ा कर रखी शहबाज शरीफ ने, अब आके फिर बैठ गया और जिस तरह जो कुछ कर रहे हैं, आपकी महंगाई का अगले रमजान में पता चल जाएगा, जीडीपी तो बड़ा पीछे रह जाएगा, आपकी महंगाई ऐसे चढ़ेगी पता चल जाएगा, रमजान में पता लगेगा। हाँ, रमजान में हमेशा ही महंगा होता है और आपके जो महंगाई आएगी, आईएमएफ की शरायत है, जो पाकिस्तान वो उनके पास आईएमएफ की शरायत नहीं है, वो बड़ा मुल्क है, वहाँ यहाँ आईएमएफ की शरायत पे पीछे ये पैसे लेने के लिए कोई भी करने को तैयार है, जितनी कड़ी शर्तें लगाएंगे ये गवर्नमेंट मानेंगी। हाँ, ये इतनी कड़ी सही है, लेकिन वो मुल्क देखे, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, गुर्बत भी बहुत ज्यादा थी वहाँ, नो डाउट, और उन्होंने जिस तरीके से इस चीज को टैकल किया वो भी काबिले तारीफ है। आबादी की वजह से गुर्बत है, गुर्बत इतनी नहीं है, आबादी की आबादी बहुत ज्यादा है, उन्होंने कंट्रोल कर लिया आबादी पे, हम तो आबादी पे कंट्रोल नहीं कर सके, और आप उनका मुकाबला एक साड़ी से कर रही हैं। आप पाकिस्तान की इकॉनमी देखें कहाँ से कहाँ जा रही है, और जो बेसिक नेसेसिटीज है ना, इंडिया तो पैकेज देता है मुसलमानों को रमजान पैकेज। बात कर दिया आपने। हाँ, मैंने अच्छी बात की है कि सारे मुल्क जितने भी हैं, यूरोप, अमेरिका समेत इंडिया, मुसलमानों को रमजान पैकेज देता है, और ये मुसलमान मुल्क रोजों में महंगी चीजें करता है। अब महंगाई की ऐसी लहर आएगी, रोजों में हमेशा रोजों में महंगाई होती है। तारी ना करे, वो तो मुसलमानों पर डंडे बरसाते हैं। नहीं, डंडे नहीं बरसाते, डंडे बरसाते हैं वो थोड़ा सा जो करते हैं डंडे बरसाते हैं, मगर पैकेज देते हैं, गद्दारी की बात नहीं है। आप कैसे कह सकती हैं रमजान पैकेज मिलता है, हज उनका सस्ता है, हमारा हज 11 लाख का हो गया है, आम बंदा हज नहीं कर सकता, उन हज भी उनका सस्ता है, उनकी बेसिक नेसेसिटीज सस्ती हैं, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हैं, सब्जियां सस्ती हैं, आप इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे आलू प्याज और अपना टमाटर, आप रोज डेली इंपोर्ट कर रहे हैं, आप इकॉनमी की बात उनकी करते हैं, आप उनसे ले रहे हैं, आपकी क्योंकि ये सब्जियां पैदा नहीं हो रही लाहौर में, तो आप डेली वहाँ से ले रहे हैं, आपकी ये तीनों चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान भारत से, तो आप क्या बात करते हैं, ये सारी एक्टिंग है इनकी, ये सारी है कि ये इंडिया प्रोपेगेंडा है। मुसलमानों के भी हम कहते हैं ना, वहाँ पर डंडे बरसाते हैं तो उनका वो बरसाते हैं, कुछ भी नहीं होता, डंडे बरसाते हैं कोई वजह होगी कुछ थोड़ा बहुत, मगर ऐसा तो नहीं है, बहुत देखें लिटरेसी रेट उनका 100% तक है, हमारा पाकिस्तान उनका मुकाबला कहाँ इंडिया का कर सक रहा है, बजाय उनके नकल करने के। वाली जज्बे वाली कौम को आप इतना डिग्रेड कर रही है, कहाँ का जज्बा, कौन सा जज्बा, आप कौन से जज्बे की बात कर रही हैं, इमोशनल जज्बा, अभी इशरा में वो लड़की के खुदारा अब इस मुल्क पे जो है ना वो रहम करें, हमारे जैसे नौजवान मायूस होकर रह गए, इस मुल्क के हालात देखते हैं तो मैं आपको बता नहीं सकता कि जो मेरी फीलिंग्स हैं, मैं देखता हूँ कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं, या हम कैसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ पर गरीब की आवाज़ नहीं सुनी जाती, गरीब मर के रह गए, रोटी पानी मुश्किल हो गया उनके लिए, तो ये कश्मीर के आज़ाद करवाएंगे, पहले मुल्क को तो सही कर लें, अपने हालात तो ठीक कर लें, ये कश्मीर की बातें करते हैं, अब देखें ये इसराइल क्या कर रहा है हमारा, वो मतलब हमारे फलस्तीन के साथ इतनी ज्यादती हो रही है, इन्होंने मैंने नहीं देखा इनकी एक उस तरह की अमली कोई हिकमत अमली हुई हो, ये सब बातों तक है, असम्बली में जाते हैं अपना रोना रोते हैं, ये कर लेना हमने, वो कर लेना, इतनी हमें सीटें मिल गई हैं, मैं तो ये चाहता था कि जैसे ही हमारी मतलब कि अभी सीएम ये अभी रिसेंटली बनी है, मैं तो उसके लिए बेस्ट विशेज करूंगा कि हमारे मुल्क के लिए तो वो करे ही करे कुछ, लेकिन कम अज़ कम वो एक फलस्तीन भाइयों के लिए तो कुछ अपना एक वो स्टेटमेंट देती, उसने क्या स्टेटमेंट दी है मैंने नहीं देखा अभी तक, मैं तो बड़ा मायूस हुआ हूँ कि हमारी मतलब के सीएम मरियम नवाज सेल में तो बकायदा झंडे भी लेकर जाना अलाउ नहीं है, तो आप तो कह रहे हैं स्टेटमेंट की बात, हम तो बकायदा आप रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहे ग्लोबल लेवल के ऊपर, उस तरह शो भी नहीं कर रहे कि हम फलस्तीन के साथ हैं भी या नहीं है। एग्जैक्ट नाम के मुसलमान रह गए हम, हमारे अंदर मुसलमानियत ख़त्म हो गई है, वो चीज़ें आप देख सकते हैं कि हमारे मतलब कि हमारा किरदार ही ऐसा हो गया कि हम मतलब के मजाक करते हैं, हम ना वो अमली काम करते ही नहीं हैं, बातों तक महदूद हैं, कम अज़ कम उस चीज़ से बाहर निकलें, अमली काम करके दिखाएं, मेरा एक मैसेज है ये जो अब नई गवर्नमेंट बनी है कम अज़ कम अपने फलस्तीन भाइयों के लिए कुछ करें, उनके बच्चे मैंने देखे हाथों में उठाए हुए हैं, वो उनकी जान जा रही हाथों में उठा के रो रहे हैं, कम अज़ कम उन पर रहम करें, उनकी मतलब हेल्प कर दें, आप कुछ नहीं कर सकते तो उनके लिए एक मतलब कि इज्तमाही तकरीब करें, उसमें दुआ कर दें ताकि अल्लाह की